देखिए, क्लास 9 का जो चैप्टर 3 है उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज की इस क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है उसका यूज़ जो हम करते हैं किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए करते हैं। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ होता है, और डेली लाइफ में भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। मगर सबसे पहले हम जो है इसका जो इंट्रोडक्शन है उसको जान लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? जो पड़ी वाली लाइन होती है उसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, ठीक है। और एक इसमें वर्टिकल लाइन होती है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, और इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं और इसको एक्स डैश से डिनोट करते हैं। इसी तरीके से जो वर्टिकल लाइन होती है इसको वाई एक्सिस बोला जाता है, इसको हम वाई से दिखाते हैं और इसको हम वाई डैश से दिखाते हैं, ठीक। जहाँ पर भी ये दोनों की दोनों लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को ओरिजिन बोला जाता है। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? ओरिजिन, ठीक है। अब इन दोनों एक्सीज के दो दो पार्ट बन चुके हैं। अगर हम एक्स एक्सीज की बात करते हैं तो एक्स एक्सीज का एक पार्ट जो है वो सीधे हाथ की तरफ बना हुआ है, राइट हैंड साइड की तरफ बना हुआ है, जिसका नाम है ओ एक्स, ठीक है। तो जो ओ एक्स है, जो एक्स एक्सिस का जो सीधे हाथ की तरफ वाला जो पार्ट होता है उस पर हमेशा प्लस के नंबर चलते हैं, और इस एक्सिस को, ये पूरी की पूरी तो एक्स एक्सिस है मगर इस हिस्से को हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरीके से जो उल्टे हाथ की तरफ वाला हिस्सा रहता है एक्स एक्सिस का, उस पर निगेटिव नंबर चलते हैं, इसलिए ओ एक्स डैश को हम निगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम वाई एक्सिस की बात करते हैं तो जो वाई एक्सिस होता है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ओ वाई, इस पर पॉजिटिव नंबर चलते हैं, इसलिए ये क्या होती है? ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाती है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसका, उस पर निगेटिव नंबर चलते हैं, तो ओ वाई डैश जो होती है वो निगेटिव वाई एक्सिस होती है, ठीक। अब इन दोनों एक्सिस से जो है चार पार्ट निकल के आ जाते हैं, तो जो ये चार पार्ट्स निकल के आ जाते हैं इनको क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स। तो ये जो होता है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ठीक। अब ये जो पूरे का पूरा अरेंजमेंट होता है इसको हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं? वो प्लेन जहाँ पर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट कर देते हैं, वही प्लेन जो है कार्टेशियन प्लेन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है, तो सबसे पहले हम एक्स वाई के बारे में देख लेते हैं। देखिए, हर किसी क्वाड्रेंट में हमने ये चीज़ तो देख ली कि एक इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, और जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती हैं उसको ओरिजिन बोला जाता है, और इनसे जो पार्ट बनते हैं उनको क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। अब हर किसी क्वाड्रेंट में एक्स और वाई होता है, हर किसी क्वाड्रेंट में एक्स और वाई होता है, हर किसी क्वाड्रेंट में एक्स और वाई होता है, हर किसी क्वाड्रेंट में एक्स और वाई होता है। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है उसमें एक्स भी प्लस का होता है और वाई भी प्लस का होता है। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें एक्स माइनस का होता है और वाई प्लस का होता है। जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें दोनों के दोनों माइनस माइनस के होते हैं। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें पहला प्लस का दूसरा माइनस का होता है। अब ऐसा क्यों है? ये जो दोनों के दोनों हैं ये प्लस प्लस क्यों हैं, ये माइनस प्लस क्यों हैं, ये माइनस माइनस क्यों हैं और प्लस माइनस क्यों हैं, इसका भी एक रीज़न है। देखिए, मैंने अभी आपको ये बताया है
कि ये जो होती है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होती है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होती है। तो अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो ये जो क्वाड्रेंट बना है ये इस एक्सिस और इस एक्सिस की सहायता से बना हुआ है। तो जब इन दोनों की सहायता से बना हुआ है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसके लिए एक्स पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये पॉजिटिव वाई। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो इसमें जो है ये जो पार्ट बना हुआ है ये निगेटिव एक्स एक्सिस से बना हुआ है और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बना हुआ है। तो इसलिए निगेटिव एक्स एक्सिस से बना हुआ है तो एक्स के ऊपर निगेटिव, और पॉजिटिव वाई एक्सिस से बना हुआ है तो वाई के ऊपर पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो ये जो पार्ट है इसमें जो है इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के दोनों आ रहे हैं। ये जो पार्ट बना हुआ है ये पॉजिटिव निगेटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस से बना हुआ है, तो ये एक्स भी निगेटिव और वाई भी निगेटिव। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो पार्ट बना हुआ है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस और निगेटिव वाई एक्सिस से बना हुआ है, तो एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, निगेटिव है। ठीक है, अब देखिए इन सारी टर्म्स को जो जो हमने पढ़ी है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए इसमें जो जो चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं उन सबको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अगर हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, एक्स एक्सिस बोला जाता है जो कि ये है। वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस बोलते हैं जो कि ये है। इसी का जो मैंने यहाँ पर जो ओ एक्स वाला पार्ट है, जो ओ एक्स वाला होता है, ओ एक्स जो होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, यानी कि ये वाला हिस्सा, और ओ एक्स डैश जो होता है वो निगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, यानी कि ये वाला हिस्सा। इसी तरीके से जो ओ वाई होता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाता है, यानी कि ये ऊपर वाला हिस्सा, और ये जो ओ वाई डैश होता है जो निगेटिव वाई एक्सिस होता है वो ये वाला हिस्सा होता है। इसी तरीके से इससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए कार्टेशियन जो प्लेन होता है उसको हम एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, एक्स वाई प्लेन। और एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन हम उस प्लेन को बोलते हैं जहाँ पर भी हम एक्स वाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट कर देते हैं, और वहाँ पर जो है उसी प्लेन को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन या एक्स वाई प्लेन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ये एक्स वाई जो होते हैं वो किसी ना किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। क्या होते हैं, किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उन्हें एक्स वाई से दिखाते हैं। अगर हम इनको अलग अलग तोड़ते हैं, जैसे जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये किसी पॉइंट के, उसका जो एक्स होता है उसको हम दो नाम से पुकार सकते हैं। जो एक्स होता है इसका जो पहला वाला होता है एक्स, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं या इसको हम एब्सिसा कह सकते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को आप एक्स कोऑर्डिनेट कह सकते हैं या एब्सिसा कह सकते हैं। अगर आपने कोऑर्डिनेट बोला है तो उसके साथ आपको एक्स लगाना पड़ेगा, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, और अगर आपने एब्सिसा बोल दिया है तो बस ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि हाँ वो एक्स कोऑर्डिनेट के ही बारे में बात की गई है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसको एब्सिसा को, एक्स एब्सिसा कहने की जरूरत नहीं है, खाली एब्सिसा भी एब्सिसा ही आप कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसका, ये इसको हम वाई कोऑर्डिनेट कह सकते हैं या खाली में ऑर्डिनेट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, देखिए कोई भी अगर पॉइंट होता है, मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर ले लिया, कहीं पर भी ले लिया, उसकी लोकेशन बताने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए हमेशा दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं जो कि एक्स और वाई होते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स बोला जाता है। ठीक, जब हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे तो वहाँ से और इसको अच्छे से समझ लेंगे। जो ओरिजिन होता है, जो ये ओरिजिन है, ओरिजिन जो कहलाता है, ओरिजिन पर ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो जीरो जीरो होते हैं, यानी वहाँ उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, यानी वहाँ का जो एक्स होगा और वाई होगा इस पॉइंट का, वो क्या होगा, एक्स भी जीरो होगा और वाई भी जीरो होगा। ठीक है, बाकी ये इसका इंट्रोडक्शन था, इसके जो एक्सरसाइज है वो अब आगे हम स्टार्ट करेंगे।